स्वागत है मेरे चैनल सरकारी तैयारी प्लस में। आज हम बात करेंगे पावर ग्रिड में निकली आपकी रिक्रूटमेंट के बारे में। तो उसके लिए आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, एज क्या है और आपका सिलेक्शन प्रोसीजर, जो अन्य प्रमुख जानकारियां हैं वो, उन सब के बारे में बात करेंगे। डेली ऐसी गवर्नमेंट जॉब की जानकारी और अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल सरकारी तैयारी प्लस को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात करते हैं इस वैकेंसी की जो कि पावर ग्रिड से निकली है। इसके हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर ग्रिड आपका नोटिफिकेशन है, ठीक है। सीसी आप 6/2023, आपका डेट 1/9/2023 को रिक्रूटमेंट डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल सिविल इलेक्ट्रिकल में, यहाँ पे आपको उसके बारे में दे सकते हैं, ठीक है। पावर ग्रिड आपका रिक्वायर ब्राइट कमिटेड एंड एनर्जेटिक डिप्लोमा इंजीनियर टू बी इंडक्टेड एज ए डिप्लोमा ट्रेनी एंड और इन इलेक्ट्रिकल सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स डिसिप्लिन अंडर द आपका रीजनल रिक्रूटमेंट स्कीम, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्थन रीजन की, नॉर्थन रीजन टू, यहाँ पे आपको रीजन देखने को मिलेगा उड़ीसा प्रोजेक्ट, आपका कॉपरेट सेंटर गुरुग्राम, मानेसर, दिल्ली। तो ये आपका सेंटर है जहाँ पर आपकी वैकेंसी निकली है। यहाँ पे अपर एज लिमिट दे रखी है डिप्लोमा ट्रेनी की 27 दे रखी है 23/9/2023 के अनुसार, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका इंडक्शन लेवल एसेंशियल क्वालिफिकेशन फुल टाइम रेगुलर 3 ईयर डिप्लोमा इन रिलेवेंट डिसिप्लिन इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकोगनाइज बोर्ड, ठीक है, या इंस्टीट्यूट से। यहाँ पे आपका डिसिप्लिन इलेक्ट्रिकल में आपको दे रखा है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स में और सिविल इंजीनियरिंग में आपका परसेंटेज आपके होने चाहिए 70%, ठीक है। हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन यहाँ पे देख सकते हैं विद या विदाउट डिप्लोमा इज नॉट अलाउड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपका हायर क्वालिफिकेशन है, आपने डिप्लोमा नहीं लिया, तो यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाएगा। रीजन पोस्ट वाइज आप देख सकते हैं वैकेंसी, नॉर्थ रीजन आप देख सकते हैं इसकी वैकेंसी दे रखी है। इसी तरीके से आपको जो ब्रेक करके पूरी वैकेंसी की जानकारी दे रखी है, तो यहाँ पर आप चार्ट में दे सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं यहाँ पर 425, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यू आर कैटेगरी में 214 हैं, OBC में 82, 67 SC में और 24 आपका ST में, इकोनॉमी सेक्टर में आपकी 38 है, और फिजिकल डिसेबल कैंडिडेट के लिए 12 है, ठीक है, सॉरी 32 है। यहाँ पे आपको देखिए सब कैटेगरी के बारे में पता चल जाएगा, यहाँ पे आप इसके बारे में जान सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका कॉपरेट ऑफ वेरी अट्रैक्टिव पैकेज यहाँ पर आपको दे रखा है 27,500 पर मंथ, ठीक है। बाकी आप यहाँ पर डिटेल दे सकते हैं, रिलेक्शन के बारे में दे रखा है, ठीक है, उनके बारे में आपका OBC को 3 साल, SC ST को 5 साल, फिजिकल डिसेबल कैंडिडेट को 10 साल, और एक्स सर्विस मैन है तो उनके लिए यहाँ पे एज पर द गवर्नमेंट नियम के अनुसार, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिलेक्शन के बारे में आपको देखने को मिल जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर कंसिडर रिटन टेस्ट होगा जो कि आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा। एलिजिबल कैंडिडेट एप्लीकेशन कैंडिडेट सैलरी आपका स्क्रूटनी बेस्ड ऑन द जॉब स्पेसिफिकेशन, ठीक है। रिलैक्सन और आपका कंसेशन गिवन एज पर द अपलोड डॉक्यूमेंट, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिक्वायर्ड टू वेरी केयरफुली अपलोड रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे आपको सावधानी पूर्वक ही अप्लाई करना है। आप सारी जानकारी आपके पता होनी चाहिए, नोटिफिकेशन में क्या है और किस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। पार्ट वन यहाँ पे देख सकते हैं टेक्निकल नॉलेज, जिसे आप TKT कहते हैं, ठीक है, जैसे आपका टेक्निकल नॉलेज टेस्ट 120 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पार्ट टू आपका सुपरवाइजर एप्टीट्यूड टेस्ट SAT, जैसे 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आप वोकुलरी, वर्बल, कम्प्रीहेंसिव, क्वांटिटी, एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, डाटा सफिशियंट, इंटरप्रिटेशन, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ऑल क्वेश्चन कैरी एक मार्क रहेगा, एक नंबर मिलेगा, रॉन्ग करने पर 1/4 नंबर काट लिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं वैकेंसी को आपका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जो दे रखा है, UR इकोनॉमिक सेक्टर के मिनिमम 30% ईच पार्ट वन और पार्ट टू सेपरेटली, और यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग, यहाँ पे आपको पार्ट वन में 30% और पार्ट टू में आपका 30%, ठीक है, सेपरेटली अलग अलग। मिनिमम 40% मार्क आपका एग्रीगेट होना चाहिए, मिनिमम 40% होने चाहिए। अदर यहाँ पे देख सकते हैं जो है दे रखा है 25 पर ईच पार्ट वन पार्ट टू सेपरेटली, जो कि अदर कैंडिडेट है, और 30% एग्रीगेट मिनिमम। यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट जो आपकी बेस्ड ऑन आपका सिक्योर्ड रिटन टेस्ट, आपका 100% वेटेज, कैंडिडेट वो विल द क्वालिफाई रिटन टेस्ट एज पर द क्वालिफाई क्राइटेरिया शैल बी शॉर्ट लिस्ट कैटेगरीज बाई, ठीक है, द ऑफर अपॉइंटमेंट सूटेबल कैंडिडेट शैल बी इशू ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पेमेंट जो फीस रहेगी 300 रुपये रहेगी, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाके आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप पेमेंट कर सकते हैं।
कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका सिंगल डे इन सिंगल सेशन में होगा, ठीक है, एनी वन रीजन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दे सकते हैं, बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं आप किस तरीके से अप्लाई करेंगे। देखिए पावर ग्रिड की वेबसाइट पे जाएं, कैरियर सेक्शन में जॉब अपॉर्चुनिटी में ओपनिंग में, यहाँ पे रिक्रूटमेंट डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल सिविल रीजन में कॉर्पोरेट में सेंटर 2023-24 में जाकर आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे इनके बारे में पूरा जानकारी दे रखी है, तो आप किस तरीके से अपलोड करना है तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके नोटिफिकेशन में आप लोगों को पूरी जानकारी दे रही है, सर्विस बॉन्ड के बारे में, टेस्ट सेंटर यहाँ पे आपको देगा नॉर्थ रीजन में, दिल्ली जयपुर राय आपका देहरादून, नॉर्थ टू में जम्मू श्रीनगर, नॉर्थ रीजन लखनऊ वाराणसी आगरा शिलोंग, ये सब यहाँ पे आपको दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे आपको जनरल इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, भारतीय नागरिक होना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे आपको दे रखा है, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप कैरियर में जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ओपनिंग, ओपनिंग पे यहाँ पे मैंने टिक कर दिया, जॉब अपॉर्चुनिटी के नीचे आ रहा है ओपनिंग, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए और जो वैकेंसी है अभी अभी अप्लाई अभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि लिंक अभी नहीं मिल रहा है, ठीक है, अभी आया नहीं है, सिर्फ नोटिफिकेशन आया है जो कि मैंने निकाल लिया, आप लोगों को दिखा दिया है। जैसे लिंक आएगा तो हम ऑनलाइन प्रोसीजर के बारे में भी बात करेंगे, किस तरीके से आप ऑनलाइन की का अप्लाई कर सकते हैं, उसकी कंप्लीट स्टेप बाई स्टेप जानकारी मैं आप लोगों को दे दूंगा। तो फ्रेंड ये थी आपकी पावर ग्रिड में निकली डिप्लोमा ट्रेनिंग की वैकेंसी के बारे में जानकारी दी, आई होप जानकारी और आपके लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो। ऐसी गवर्नमेंट जॉब की जानकारी और डेली अपडेट में लेकर आप लोगों के लिए आता रहूँगा, और ऐसी गवर्नमेंट जॉब की जानकारी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखें, धन्यवाद।